अयोध्या में 5 अगस्त को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं होगा बल्कि सौहार्द्र मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाज सेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाली अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल हैं। बता दें कि इकबाल अंसारी के पिता हातिम अंसारी न सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे बल्कि राम मंदिर आंदोलन की अगुवा रहे रामचंद्र परमहंस के करीबी दोस्त भी थे और दोनों के बीच दोस्ती कुछ ऐसी थी कि मुकदमा लड़ने भी साथ जाया करते थे। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो मस्जिद के पक्ष में शुरुआत से ही था और राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा था। बावजूद इसके सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जाफर फारूकी को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अतिथियों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि देश भर के प्रमुख धर्म स्थलों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि बाबरी विध्वंस के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी को भूमि पूजन कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।